आज मैंने लंच में पनीर की सब्ज़ी बनाई है और उसको मैंने खीरे टमाटर प्याज के सलाद के साथ चपाती के साथ में सर्व करी है। आइए कि मैंने कैसे बनाई है देखते हैं। एक कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून ऑयल डाला, एक चम्मच बटर, एक टीस्पून राई, दो तेज पत्ते, राई अच्छे से जब चटकने लग जाए उसके बाद इसमें एक राई अच्छे से चटकती हुई लगती है इसमें एक बड़ा प्याज डाला है। एक हरी मिर्च, ये मसाले डालें इसमें, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, सौंफ पाउडर और नमक। ये सब डाल के इसमें अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाला नहीं जले। मसाला अच्छे से पक गया है तो ये दो टमाटर मैंने जो स्क्वायर शेप में चॉप करे थे वो डालेंगे। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ये पनीर डाल 50 ग्राम पनीर है, ये पनीर डाला है मैंने, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। किचन किंग मसाला डाला है दो टीस्पून, दो मिनट अच्छे से ढक के पकने देते हैं। सभी मसाले अच्छे से गल चुके हैं और पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने एक चम्मच टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको मैंने पानी के अंदर थोड़ा इसका घोल तैयार करके सब्जी में डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के अच्छे आधा ग्लास करीब और इसको पकने देते हैं।
थोड़ा पानी और डालेंगे। पानी अच्छे से पक जाए ये 3-4 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट करने के लिए मैंने 1 टीस्पून टमाटो केचप डाला है। सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। और थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच। सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसकी चपाती और सलाद के साथ इसको सर्व किया है।